बट्टू का रंग अब चढ़ रहा है देवी अहिल्या की नगरी में। मालवा का एक साथ था अनुजन जो देश दुनिया में खूब नाम कमा चुका और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नारायण जी भूतवा। नारायण जी, आप आयोजन के प्रारंभिक काल से जुड़े रहे हैं, कितनी भव्यता ले रहा है अभी आयोजन, कितनी खुशी होती है, शुरुआत का स्वरूप सुनना चाहिए। इंदौर एक उत्सव प्रेमी शहर है, यहाँ कुछ भी किया जाए उसे लोग स्वीकारते हैं। ये एक यूनिक प्रयोग था जो 25 साल पहले अशोक चौहान चांदू ने एक छोटी सी शुरुआत की थी, आज उसका भव्य रूप इंदौर में देखने को मिल रहा है कि पूरा राजवाड़ा से लेके मल्हारगंज तक इसमें पत्रकार जो हैं कैलाश विजयवर्गीय अनेक रूप में मिलते हैं, हर साल नए बनते हैं, आज भी बन रहे हैं। और इंदौर के पत्रकार वरिष्ठ लोग जो हैं कुछ ना कुछ नए नए रूप में जनता का मनोरंजन करते हुए अपना ईगो छोड़कर आज शहर के बीच में बिल्कुल मस्ती और उल्लास के मूड में रहते हैं। ये इंदौर की तासीर है, माँ अहिल्या की नगरी का ये तासीर है। यहाँ पर सभी लोग आप देखेंगे, कोई माता जी बना है, कोई गुरु जी बना है, कोई हनुमान जी बना है। ये उत्सव प्रेमी शहर है और जैसे विदेशों में होता है, जैसे कल गेर को कह रहे हैं कि यूनेस्को में शामिल किया जाएगा, वैसे ही इस बजरबट्टू सम्मेलन को भी मैं कहता हूँ, कलेक्टर जी से आग्रह करता हूँ कि इस बजरबट्टू सम्मेलन को भी कोई ऐसा यूनिट जो है जोड़ा जाए जैसे विदेशों में होता है, वैसा ही इसको सरकारी तौर पर इसको सांस्कृतिक उत्सव के तौर पे इसको पहचान दिलाई जाए। बिल्कुल, वाकई जो आयोजन से शुरुआत से जुड़े रहते हैं और आयोजन जब सफल हो जाता है तो कहीं ना कहीं लगातार और भव्यता, दिव्यता और भव्यता दिलवाने का प्रयास आयोजन के द्वारा किया जाता है। कहीं ना कहीं शुरुआती दिनों नारायण जी इस आयोजन से जुड़े रहे और आज जब आयोजन लगातार भव्यता ले रहा है तो ऐसी स्थिति में नारायण जी का कहना है कि इस आयोजन को भी एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में पहचाना जाए जो पिछले 30 सालों से लगातार इंदौर की देवी अहिल्या की नगरी में अनवरत जारी है। आप इस तरह जुड़े रहिए और माँ बजरबट्टू का आनंद लेकर रहिए। जय जय श्री राम।